हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस प्राइड। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट जो यूपीपीएससी एई का जब मैंने नोटिफिकेशंस आपके साथ डिटेल डिस्कशन किया था, उसमें आपने बोला हुआ था सर छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए भी इस नोटिफिकेशंस को क्लियर करें, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसी नोटिफिकेशंस को लेकर के मैं यहाँ पर आपकी डिमांड पर लेकर के आ रहा हूँ। तो प्लीज़ पहले तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन को सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर बात करते हुए चलेंगे। तो छत्तीसगढ़ पीएससी एई यानी सहायक अभियंता, या हम बात करें छत्तीसगढ़ पीएससी ने जो अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 के लिए जो डेट्स निकाली हैं, उसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 05-20-2021। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो हमारा जो ये पब्लिकेशंस हुआ था वो 11 अगस्त के आसपास हुआ था। 11 अगस्त को छत्तीसगढ़ पीएससी की ऑफिशियल साइट पे इन्होंने लिंक अपडेट कर दी थी, नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया था, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के मिल जाएगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन लिंक भी, सारी चीज़ें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 17 अगस्त से ऑलरेडी फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हरी अप, जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है सारी चीज़ें फिलअप करनी है, लेकिन उससे पहले देख लें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अगर हम बात करें तो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 15-9-2021, मतलब 15 सितंबर। और 15 सितंबर की बात करें रात को 11:59 पर, यानी 11:59 पर हमारा ये पोर्टल बंद हो जाएगा। तो आपको इस डेट तक ही अपनी एग्ज़ाम फीस भी सबमिट करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करनी है, और ये जो पूरा प्रोसेस है केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है, कोई भी हमें ऑफलाइन डॉक्यूमेंट या हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है आयोग के पास। बट वो सारी कॉपी अपने फर्दर रेफरेंस के लिए, जब हमारी सेकंड स्टेज की बात करेंगे उस रेफरेंस के लिए हमें संभाल कर रखना है। अगेन बात करते हैं तो इन्होंने एग्जाम डेट भी इसी के साथ रिलीज कर दी है, जिससे कि आपको एक पुशअप मिलने वाला है 26 नवंबर, 26-11-2021, जो टेंटेटिव एग्जाम डेट हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली एग्जाम डेट मेंशन किया हुआ है, परीक्षा तिथि मेंशन की हुई है, तो एग्जाम डेट 26 नवंबर होने वाला है। हाँ, कुछ कंडीशंस हो तो ये चेंज हो सकता है, बट चेंज होने की कंडीशंस बिल्कुल भी नहीं है अभी तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो जिनकी भी एज 21 ईयर से 30 ईयर के बीच में है और छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल नहीं रखते हैं, तो आउटसाइड ऑफ जो भी आउटसाइडर हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग हैं, उनके लिए 21 साल से 30 साल के बीच में होना चाहिए। और जो भी छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल रखते हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच में रखी गई है। जबकि बात करते हैं ये जो डेट हैं, जो हम बात कर रहे हैं 21 से 30 या 21 से 40, वो किस डेट पे देखा जा रहा है, 1-1-2021 को देखा जा रहा है। मतलब 1 जनवरी 2021 को अगर आप 21 साल पूरे कर चुके हैं आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन का, आपके पास सिंपली बी एंड बी टेक की डिग्री होना चाहिए, और वो भी सिविल इंजीनियरिंग में। ऑल्दो ये पोस्ट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी निकली है, लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इस पोर्शन को थोड़ा सा बाद में देखेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 80 हैं इन सिविल इंजीनियरिंग। और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो हमारा डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से रहेगा, जो अनरिजर्व की पोस्ट है नंबर 33 हैं, ओबीसी में 10 हैं, एसटी में 26 हैं, और एससी में 11 हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहां पर वुमेन्स या फीमेल्स का रिजर्वेशन जो हमारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखा गया है, तो 33 में 9 पोस्ट फीमेल की हैं, यहाँ 3, यहाँ 7 एंड यहाँ 3 अगेन पोस्ट रिजर्वेशन के अंदर दिया गया है, रेस्ट बाकी सारा रिजर्वेशन सेम है। अगेन यहाँ पे बात करा दूं कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट्स के जो नॉर्म्स हैं तो वहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशंस भी दिया गया है, अपनी अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। अब बात आती है सर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। बेटा एग्जाम जो होगा वो दो स्टेज में कंप्लीट होगा। पहला स्टेज आपका एमसीक्यूज रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, जिसमें आपके दो पेपर होने वाले हैं। एक होगा पेपर 1 जो कि आपका जीएस
जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और रीजनिंग या एप्टीट्यूड, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है बुद्धिमता परीक्षण। और बुद्धिमता परीक्षण की बात समझ सकते हैं हम, या तो रीजनिंग की बात करेगा या एप्टीट्यूड की बात करेगा वहां पर कुछ क्वेश्चंस वहां से। तो यहां पर देखा जाएगा जो स्टेज वन में जो एग्जाम है वो फर्स्ट पेपर जो है उसमें 150 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। हर एक क्वेश्चन कितने का? 2 मार्क्स का। तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा जो कि 2.5 घंटे का होगा। दूसरा पेपर उसी का स्टेज वन में ही दूसरा पेपर होगा, टेक्निकल होगा, आपका रिस्पेक्टिव सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और अगेन 2 मार्क्स के होंगे और 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। तो आप माने पहला स्टेज जो है टोटल 600 मार्क्स का है। सेकेंड स्टेज, जो भी ये फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे सेकेंड स्टेज में और इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में 75 मार्क्स का है, तो टोटल 675 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। बट स्टेज वन में मिनिमम क्वालिफिकेशंस मार्क्स भी यहां पर रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक पेपर में आप स्कोर कर लो काफी अच्छा, दूसरे पेपर में स्कोर नहीं कर पाए। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब जो लोग छत्तीसगढ़ में भी अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और आउटसाइडर जो छत्तीसगढ़ के हैं, उनके लिए 40% मिनिमम मार्क्स जरूरी हैं लाना दोनों पेपर में, पेपर वन एंड पेपर टू, दोनों ही पेपर में 40% मिनिमम मार्क्स। और जो भी अदर कैटेगरीज हैं, अदर मतलब बात करें ओबीसी, एसटी एंड एसटी, उस कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं अदर कैटेगरीज के, उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस मार्क्स हैं वो 30% रखे गए हैं, मतलब 300 का 40% या 300 का 30%, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो यहां पर हमने बात कर ली एडवर्टाइजमेंट नंबर कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, और एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन क्या है, और एग्जाम पैटर्न क्या है, और पोस्ट क्या है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का जो आपका सिलेबस है, जैसा कि मैंने बात किया है, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में, छत्तीसगढ़ का जीके, छत्तीसगढ़ का जीए, मतलब करंट इवेंट्स क्या चल रहे हैं, किस तरीके से बात हो रही है, उन सभी चीजों की यहां पर डिटेल डिस्कशंस करना होगा छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में। दूसरा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का पोर्शन, क्योंकि वहां पर बुद्धिमता परीक्षण बोला गया है और रीजनिंग गणितीय संगणना लिखा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ एप्टीट्यूड भी इंक्लूड कर सकते हैं, और बुद्धिमता परीक्षण बोला गया है मतलब रीजनिंग को भी वहां पर इंक्लूड किया जा सकता है। अगेन हम बात करते हैं पेपर टू जो सिविल इंजीनियरिंग का है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सोम, जिसको हम सॉलिड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो सॉलिड मैकेनिक्स का पोर्शन लिया गया है और काफी वास्ट सिलेबस दिया गया है, तो ये सिलेबस आपको ध्यान रखना है। सोम है, टॉस है, आरसीसी एंड स्टील डिजाइन है, साथ ही साथ बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट FM में आपका OCF एंड फ्लूड मशीनरी दोनों को ही इंक्लूड करके यहां बात की जा रही है। हाइड्रोलॉजी के बाद वाटर रिसोर्सेज में आपका कंप्लीट होगा इरिगेशन एंड वाटर स्ट्रक्चर्स, जो भी वाटर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम बात करेंगे, डैम्स हो गया, स्पिल्स भी हो गए हैं कि डिफरेंट तरीके के डैम्स हो गए हैं, तो वहां पर हम सभी जैसे अर्थन डैम, ग्रेविटी डैम, सभी तरीके के वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, तो इरिगेशन का भी एक पार्ट यहां पर इंक्लूड हो रहा है, तो हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। नेक्स्ट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग आपका रहेगा, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बोलने का मतलब है यहां पर कि सॉइल मैकेनिक्स प्लस फाउंडेशन इंजीनियरिंग का कंप्लीट पार्ट यहां पर होने वाला है। नेक्स्ट सर्वेइंग का पार्ट ज्यादा वास्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट है, तो हमारे चैनल पर जो हमने सर्वेइंग कंप्लीट किया है उसमें सारा सर्वेइंग कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में देखें तो हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट तीनों को कंप्लीट किया गया है, तीनों को कंप्लीट लिया गया है, हाईवे, एयरपोर्ट एंड रेलवे को। तो रेलवे के ऑलरेडी लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हमारा कंटिन्यूएशन में है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इरीगेशन भी हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है। बाकी सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर जल्दी हम कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी हम बाकी सब्जेक्ट के साथ भी आपके साथ जुड़ जाएं और हम इसको कंप्लीट करें। तो आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड और भी जो भी जानकारी चाहिए है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम उस जानकारी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर दो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है, एक अपना ईमेल आईडी, दूसरा अपना मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखना है। साथ ही साथ जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास फॉर्म फिलअप करते समय अवेलेबल होने चाहिए, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स हो, या आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड हो। उसके बाद अगर कोई एरर होता है तो आयोग ने कुछ डेट मेंशंस किए 15 के बाद, 4 to 5 days का टाइम है जिसमें आप करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई एरर हो जाती है तो थोड़ा सा घबराना नहीं है,
हम उस टाइम का इंतजार करेंगे क्या क्या करेक्शन हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपका बेसिक डिटेल्स हैं, आपका नाम, आपका आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल केयरफुली भरना है। तो ये थी हमारी छत्तीसगढ़ पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2021 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी डाउट है, क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उनको जरूर सॉल्व करेंगे। सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखना है। एंड अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।